हेलो चिल्ड्रेन, आई एम प्रियंका जैन, आसा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर, कुमुदनी, हिंदी की पाठ पुस्तक भाग 3। कल मैंने आप लोगों को इसके कठिन शब्द लिखवाए थे और शब्द अर्थ समझाए थे। आज मैं आपको इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी और आप लोग लिखेंगे। ओके, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चक्रव्यूह की रचना किस युद्ध में की गई थी? पहला प्रश्न है, चक्रव्यूह की रचना किस युद्ध में की गई थी? आंसर लिखेंगे आप, चक्रव्यूह की रचना महाभारत युद्ध में की गई थी। चक्रव्यूह की रचना महाभारत युद्ध में की गई थी। या सेकंड क्वेश्चन, यह युद्ध कहाँ और किसके बीच हुआ था? यह युद्ध कुरुक्षेत्र में और कौरव पांडवों के बीच में हुआ था, लड़ा गया था। किनके बीच में हुआ था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन को गांडीवधारी क्यों कहा जाता था? अर्जुन को गांडीवधारी क्यों कहा जाता था? अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, सभी को मालूम है अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था, इसीलिए उसको गांडीवधारी कहा जाता था, इसीलिए उनको गांडीवधारी कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अभिमन्यु को इस प्रकार मारना न्यायपूर्ण था? क्यों अभिमन्यु को मारा गया था तो क्या वो न्यायपूर्ण था? आपको बताना है क्यों अभिमन्यु को इस प्रकार मारना न्यायपूर्ण नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे अधर्म से मारा गया था, अधर्म युद्ध में मारा गया था। उसको घेर कर, चक्रव्यूह में घेर कर, 7 महारथियों ने घेर के मारा था। अधर्म युद्ध था, कभी भी युद्ध में किसी निहत्ते पे वार नहीं किया जाता है। और इकट्ठा मतलब 7 जो महारथी होते युद्ध करते हैं, अकेले पे कभी भी चारों तरफ से वार नहीं करते हैं, एक से एक ही युद्ध व्यक्ति करता है। लेकिन अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर के चक्रव्यूह की रचना करके उसको वीर गति को प्राप्त हुआ था, उसको मारा गया था। इसलिए अभिमन्यु को इस प्रकार मारना न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसे अधर्म युद्ध में मारा गया था। ये आप लोग क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करेंगे, ओके, अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। लर्निंग वर्क भी आप डेली करते रहेंगे, अपना जो भी मैं वर्क आपको डेली करा रही हूँ आप उसको लर्न करिए और घर पे रिवीजन कॉपी में, रफ कॉपी में लिख के देखिए कि आपकी लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कोई गलती तो नहीं हो रही है। ओके, टेक ऑफ केयर, बाय बच्चों।